पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मेरा नाम अंशुल गुप्ता है, मैं नगर पंचायत अगवानपुर से भाजपा कार्यकर्ता हूँ। पिछली बार भी नगर पंचायत अगवानपुर में मेरी माताजी रविता रानी अब तक के सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रत्याशी को मिले हुए मत प्राप्त करे। लगातार उसके बाद 5 सालों से मैं नगर पंचायत अगवानपुर में मेहनत कर रही हूँ। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, क्षेत्रीय अध्यक्ष जी का, या जिला अध्यक्ष जी का, या भाजपा के किसी भी छोटे से छोटे कार्यकर्ता का जो भी विषय मेरे लिए हुआ है, मैंने अपने जीवन को छोड़ कर, मैंने अपने काम को छोड़ करके, मैंने हमेशा भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को, रीतियों को आगे बढ़ाने का काम किया है। फिर भी पता नहीं कहीं ना कहीं चूक बस भूल बस एक गलती हो गई है अगवानपुर से। जनता आप देख सकते हैं, यहाँ पर मौजूदा स्थिति में 250 से 300 की संख्या में मुसलमान हैं, बाकी अगवानपुर का सर्व समाज है। पूरा ही समाज मेरे द्वारा करे गए 5 सालों के कामों को प्यार करता है, मुझे आशीर्वाद देने के लिए उतावला है। आप देख सकते हैं जिन लोगों पर साइकिल, मोटरसाइकिल व कारें हैं, वो यहाँ पर आ चुके हैं और हजारों की संख्या में लोग अगवानपुर में इकट्ठा हैं। कुछ लोग रास्ते में, मैं ये हमारी कोई भी नाराजगी भारतीय जनता पार्टी से या पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता से नहीं है। कहीं ना कहीं भूल बस अंशुल गुप्ता की जगह अभिनव गुप्ता हो गया है। मेरा अनुरोध हाथ जोड़ के आपसे है कि मेरा जो है ये मैसेज माननीय भूपेंद्र जी तक, क्षेत्रीय अध्यक्ष जी तक, माननीय मुख्यमंत्री जी तक, प्रधानमंत्री तक, सब तक पहुँचाएँ। अगवानपुर नगर पंचायत में अगर कमल नहीं खिला तो मैं जीवन में कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। पूरे जीवन भारतीय जनता पार्टी के लिए, जैसे मेरे दादा ने, मेरे दादा स्वयं सेवक थे, मेरे पिताजी स्वयं सेवक हैं और मैं स्वयं सेवक हूँ, मेरा भैया स्वयं सेवक है, हमारा पूरा परिवार स्वयं सेवक है। जैसे मैंने हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया है, मैं चुनाव हारूं या जीतूं, पहली बात तो 1000% निश्चित अगवानपुर में कमल खिलेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने का मौका चाहता हूँ और भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय जिला अध्यक्ष जी ने और जितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सबने मुझे आश्वासन दिया था। अनुरोध करने, विनती करने, किससे अनुरोध करना? जिला अध्यक्ष जी से। क्या हुआ उसमें? अनुरोध कर रहे हैं, आपके द्वारा कर रहे हैं। आपको क्या आश्वासन मिले? अभी कोई नहीं, कोई मेरी बात हुई है और जिला अध्यक्ष जी ने कहा है कि हम ऊपर बात कर रहे हैं, चूक कहाँ हुई है, तो जहाँ भी चूक हुई है मैं माफी चाहते हुए, कोई चूक आगे से नहीं होगी, मुझे मौका रहेंगे। मैं अनुरोध, जब तक मुझे भारतीय जनता पार्टी का टिकट नहीं मिल जाता है, मैं अनुरोध करता रहूं, अगर मैं चुनाव भी लड़ूंगा तब भी मैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चुनाव लड़ूंगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहूंगा। पार्टी ने आपकी बात नहीं मानी तो क्या? तभी भी मैं माननीय मोदी जी को और योगी जी को अपना आदर्श मानते हुए, भूपेंद्र जी को अपना आदर्श मानते हुए चुनाव लड़ूंगा। निर्दलीय नहीं, भारतीय जनता पार्टी की प्रेरणा से। जनता पार्टी ने अगर टिकट नहीं दिया तो क्या करेंगे ये बताइए? फिर अनुरोध करूंगा, अनुरोध लगातार करता रहूंगा। स्क्रीनिंग कमेटी पहले बैठी वहाँ पर उसमें नगर पंचायत में, है ना, उन्होंने नाम दिए, हमें दो नाम दिए उन्होंने जी, फर्स्ट सेकंड। ये फिर हमारी जिले की स्क्रीनिंग कमेटी बैठी, उसमें माननीय जितेंद्र प्रसाद जी मंत्री थे, उसमें माननीय जिला प्रभारी हमारे नागर जी मौजूद थे, मैं था, चारों हमारे महामंत्री थे और चारों जो है पूर्व प्रत्याशी जो चुनाव लड़ सके ना, चारों में थे, सभी लोग जो उसमें बैठे और उसमें जो है सम्मान करते हुए जो भी
डिसीजन लिया गया ऊपर जो है क्षेत्र में लगा हुआ है, क्षेत्र में जो नाम जाता है क्षेत्र वाले फिर वहाँ पर विचार करते हैं, वहाँ भी स्क्रीनिंग कमेटी है और वो प्रदेश को भेज देते हैं और प्रदेश जो है माहौल लगा है वहाँ पर नाम भेज देते हैं। आज जो हम जब मेरठ गए तो मेरठ में जो हमें नाम मिला उनका शिव कुमार गुप्ता के बेटे का अभिनय उसका नाम था उसमें, ये हमारे पास है जी, हमने देखी टिकट पे एक ही मिलता है, सब कुछ नहीं मिल सकता टिकट, और जैसा उचित लगा होगा नीचे से भाई रिपोर्ट तो नीचे से जाती है ना, प्रदेश अध्यक्ष थोड़ी जो है रिपोर्ट देख रहे हैं, रिपोर्ट तो नीचे जो क्षेत्र में नीचे से आई उसको जिला जिला स्तर पर देखा गया और उसके बाद क्षेत्र में भेज दिया, हमारा रोल इतना था वो भेज दिया गया सबकी सहमति से। मगर ये है कि अब संगठन के जो प्रत्याशी हैं वो अभिनव गुप्ता हैं। अच्छा, अभी ये जो विरोध कर रहे हैं क्या लगता है कि इस तरीके से इनको टिकट मिल जाएगा? देखिए भाई साहब, ये तो संगठन है, या तो बड़ा मजबूत संगठन है या तो कुछ इफर बटर होता ही नहीं है ना, जो संगठन ने फैसला ले लिया वो सर्वमान्य है और मानना चाहिए और जो नहीं मानता उसको। तो ये भाजपा कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं अंदर तक भी, ये गलत तरीका अपना रहे हैं, इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर संगठन के व्यक्ति इसमें है सब, मैं समझ रहा संगठन व्यक्ति नहीं है इसमें, कुछ कई और लोग ऐसे आए हैं जो यहाँ पर जो है माहौल खराब करने के बाद, मतलब तो क्या इसको रोकने के लिए पार्टी पदाधिकारी कुछ करेंगे? मैंने सूचना कर दी है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।